एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो सुन दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा सुन दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा गुरु कलगीधर पातशाह जिन्होंने अलौकिक खेड वरताई केसगढ़ के मैदान विच नवा कौतक वरताया गुरु ने यह गुरु नानक दे घर की वडियाई है। इस तो पहला दुनिया के इतिहास विच जो गुरु बनिया ते सदा गुरु ही रहा, जो मुरीद जो सेवक बनिया ते सेवक ही रहा, कदे सेवक नू माण प्राप्त नहीं होया कि वह गुरु बन सके। सिर्फ गुरु नानक दे घर दी वडियाई है, सिख गुरु गुरु सिख है। अज एक कौतक अनोखा कौतक वरत्या केसगढ़ दे मैदान विच पंज प्यारियां दी रचना कीती साजना कीती। पहला उन्हां कोलों सिर मंगे गुरु कलगीधर पातशाह ने, फिर अमृत छका के उन्हां नूं रहत मर्यादा दर्शाई। नियम उपनियम दर्शावण तों बाद खिताब बख्शिया सतगुरु ने, ए मेरे पंज प्यारे हन। माण दिता वड्याई बख्शी आख्या खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सद सद संगा। इतनिया वड्याइया इतना माण बख्शिया गुरु कलगीधर पातशाह जी ने खालसे नू। एथे ही बस नहीं, वेखिया दुनिया दिया नजरां ने गुरु सेवकां अगे हाथ जोड़ के गल विच पल्लू पाया होया है। प्रार्थना पए करदे ने मोहे बेनती पांचन आगे, हम सेवक तुम सतगुर लागे, जिम तुम स्यार ते सिंह पए हैं, अमृत छक के तैयार हुए हैं, तिम मम दास पर कृपा की जाए, खैर पाहुल की दास को दी जाए। गुरु कलगीधर पातशाह पंज प्यारियां दे रूबरू होके उन्हां दे सन्मुख अरदास पे करदे ने, जिवें तुसीं गिदड़ां तों शेर बन गए हो अमृत छक के, तिवें मैं दास ते भी कृपा करो, अमृत दी दात मैनूं जरूर बख्शो। गोविंद राय से सिंह सजाओ, बिछड़े होए को गैल मिलाओ, मैनूं भी अपने नाल मिला लवो ऐ गुरु खालसा जी, जिवें तुसीं दया राम तों दया सिंह बन गए हो,
धर्म चंद तो धर्म सिंह बन गए हो, तिवें मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना लवो। जदों ये गल सुनी भाई दया सिंह कहन लगे, सचे पातशाह ऐ जीवन दाते सतगुरु, सानू तुसा हुणे हुणे नवा जीवन बख्शे। ऐ अमृत दे दाते सतगुरु, असी तां तेरे दर दे हमेशा तो मंगते रहे हाँ। पातशाह एक मंगता दाते नू की दे सकदा है, तेरा किया तुझे क्या अर्पू। पातशाह तेरा एक कौतक साड़ी समझ विच नहीं आउंदा। कलगीधर पातशाह कहन लगे, भाई दया सिंह जी ये ताकत पंज प्यारियां दे विच बख्शिश कीती है, जिथे पंज प्यारे होणगे उत्थे गुरु आप वरतेगा, इस वास्ते तुसी कृपा करो मैनू अमृत की दात बख्शो। मैं दया राम तो दया सिंह ते बना सकदा, धर्म चंद तो धर्म सिंह की उपाधि दे सकदा, पर मेरे अपने आप विच इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने आप तो गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन जावां। गोबिंद सिंह जे बना सकता है तो मेरा गुरु खालसा बना सकता है, बख्शिश करो मैनू भी अमृत की दात बख्शो। जदों ये गल सुनी भाई दया सिंह कहन लगे, सचे पातशाह कहा दया सिंह, सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने शीस अपना कटाए के। शीस की है फीस, होए सिंघन की रीस पाछे, आओ इस गली शीस तली पे टिकाए। महाराज तुसां दे इस दी फीस भी बड़ी अजीब रखी है, जेड़ा शीस भेट करे ओही इस मार्ग दा पांधी बन सकदा है। पातशाह जीओ पाछे तुम पाहुल दिया, पांच शीस लिए पहला, हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे गिणाए के। महाराज तुसां साडे कोलों वारी वारी पंज सिर ले तां अमृत दी बख्शिश कीती, हुण आप मंगदे हो तुसी दसो की भेटा दोगे। कलगीधर पातशाह कहन लगे, भाई दया सिंह जी जिवें तुसा अपने अपने शीस भेट किते ने, मेरा भी शीस गुरु खालसे दे चरणा विच हाजर है, अमृत की दात जरूर बख्शिश करो। कहिंदे हन भाई दया सिंह जी दे मुखार बिंचों सुभावक ही बचन निकलिया, पातशाह एक सिख भी एक सिर भेट करे ते गुरु भी इको ही सिर भेट करे, फर्क ते कुछ ना होया, आप जी नूं तां कुछ वध देना चाहिदा। जदों ये गल सुनी कहिंदे हन कि गुरु कलगीधर पातशाह जी दे नैण जुड़ गए किसे वजद विच, कहन लगे भाई दया सिंह जे तुसी प्रवान करो, इस अमृत की कीमत अदा नहीं की जा सकती, दाम ते नहीं दे सकता, पर जे तुसी प्रवान करो एक शीश ते मैं भेट कर चुकिया हाँ 9 साल की उम्रे, अगों आने वाले समय विच जिमें जिमें देश नू, देश धर्म नू, देश की संस्कृति नू बचाने वास्ते मजलूमां की रखिया खातर लोड़ पवेगी, मैं सारे सरबंस दे शीश कुर्बान करन तो संकोच नहीं करांगा, अमृत की दात मैनू जरूर बख्शिश करो। कवि ने अपने ख्यालातां दा इजहार किया इन्हां चंद लाइनां दे विच कि भाई दया सिंह जी नूं मुखातब करके गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह, जिन्हां दा उस वेले नाम गोबिंद राय करके आउंदा सी, इंज कह रहे ने सरवण करो। दाम तो न दे सकूं भेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, दाम तो न दे सकूं भेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा।
पिता का दिवा के जैसे खून की खिलाई होली पिता का दिवा के जैसे खून की खिलाई होली वैसे होली बेटों के खून से खिलाऊं मैं चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा शहर कुर्बानियों के बांध कर कर संग तेरे कुर्बानियों के बांध कर कर संग मौत की घोड़ी बेटे अपने बिठाऊंगा मौत की घोड़ी बेटे अपने बिठाऊंगा दो चम पातशाह जी की जीवनी लिख दें किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया बचपन में अपने पिता को कटाया अकेला ही फिरता रहा जंगलों में वो भारत पे आशिक फिदा हो रहा है बिछड़ गए श्री माता बच्चे प्यारे जदों सरसा नदी ते विछोड़ा पिया चमकौर गढ़ी विच चाली सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ते दो वड्डे साहबजादे पहुंचे संभाल कीती पता लगा छोटे साहबजादे अते माता जी पता नहीं किधर चले गए सिंघां ने बेनती कीती पातशाह जी जे हुक्म होवे तां कुछ सिंह उन्हां दी भाल वास्ते भेजे जाण पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह कहिंदे हन क्या फिक्र करते हो ऐ जान सारो यह उन बच्चों का इम्तहां हो रहा है बिछड़ गए श्री माता बच्चे प्यारे थे घबराए सिख आ हजूरी पुकारे क्या फिक्र करते हो ऐ जान सारो
यह उन बच्चों का इम्तहान हो रहा है। तुसी फिक्र ना करो, वो किसे इम्तिहान दे विच पास होने वास्ते गए ने, उन्हां दी तुसी की फिक्र करदे हो। आ जड़े कोल दो खड़े हन वड्डे साहबजादे, सवेर होवेगी कल ए भी कोल नहीं होणगे, कटाऊंगा कल तक ए बाकी के जाकर, अकेला रह जाऊंगा घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, यह किश्तों से कर्जा अदा हो रहा है। हिंदुस्तान दियाँ गुलामी दियाँ जंजीरां नूं कट्टण दे वास्ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कितनियां कुर्बानियां कीतियां ने, कदे पिता दी शहादत कदे पुत्रां दी शहादत, छोटे छोटे मासूम बच्चे जालम राज ने नीहां दे विच जिंदा चिणवा दिता। खबर मिलण ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने रंचक मातर भी उफ तक नहीं कीती। कितना वड्डा जिगरा है अज दे जमाने अज दे समय। ये गल वक्री है कि हिंदुस्तान गुरु कलगीधर पातशाह जी दे कीते हुए उपकारा नूं भुलदा जा रहा है। हिंदुस्तान दे वसदे हुए लोग गुरु कलगीधर पातशाह जी दे एहसान नूं भुलदे जा रहे ने। जे किधरे गुरु पातशाह इतनियां कुर्बानियां उस वेले ना करदे, शायद अज हिंदुस्तान दा इतिहास कुछ होर हुंदा। जेड़ा किसे दे कीते हुए उपकार नूं भुल जांदा है, किसे दे एहसान नूं भुल जांदा है, उसनूं अकिरत घण किया जांदा है, एहसान फरामोश किया जांदा है। और अकिरत घण वास्ते भाई गुरदास जी तां इत्थों तक कहिंदे ने, भारे भुई अकिरत घण मंदी हूं मंदे, अकिरत घण दा भार ते धरती भी नहीं चल सकती। शायद अज जो इतने कष्ट आ रहे ने, शायद इसे करके आ रहे ने कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तान विच वसदे हुए लोग एहसान फरामोश होंदे जा रहे ने, अकिरत घण होंदे जा रहे ने। तो गुरु कलगीधर पातशाह जी दी जीवनी जो बड़ी अलौकिक है, भाई दया सिंह जी नूं मुखातब करके कहिंदे ने पातशाह, किसी तरफ माता और किसी तरफ बाप होगा, किसी तरफ माता और किसी तरफ बाप होगा, किसी तरफ बेटे कहीं महलों को रुलाऊंगा, महलों को रुलाऊंगा, दाम तो न दे सकूं भेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। हाथ पे न बाज होगा, शीश पे न ताज होगा, हाथ पे न बाज होगा, शीश पे न ताज होगा, खुश गया राज होगा, लावारिस कहलाऊं कांटों की बिछाऊंगा,
पलंग से जा कांटों की बिछाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो। सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो। सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। छाड़ के पलंग से जा कांटों की बिछाऊंगा। और उस समा भी आया जदों चमकौर दी गड़ी विच्चों पंज प्यारियां दे हुकम नू मन के गुरु कलगीधर पातशाह निकले। काली बोली हनेरी रात पोदी सर्दी और कहते हैं कि कदे कदे बरसात भी उस वेले हो रही सी। ताड़ी मार के निकले पहुंचे माछीवाड़े दे बियाबान जंगल विच। टीम दा सराना लिया होया पुंजे ही विछोना भी नहीं, कोई उपर लेप तलाइयां भी नहीं। माछीवाड़े दी धरती टीम दा सराना लेके लेटे हुए ने, इतने कष्ट भी सहारे, पैरां दे विच कहंदे ने के जोड़ा भी किधरे निकल गया, परिवार भी खेरू खेरू हो गया। तो साहबजादे अखां दे सामने शहीद करा के आ रहे ने, उन्हां दे सामने ही लड़दे लड़दे शहीदियां प्राप्त कर गए वड्डे साहबजादे। वो नज़ारा भी सामने है, पर इसके बावजूद कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। होर चढ़दियां कलां विच आखदे ने अपने प्रभु करता पुरख वाहिगुरु नूं। लिखिया किसी ने बड़ा सुंदर, निकले सी जद चमकौर तो घर घाट सब बर्बाद सी, पैरी सी छाले पै गए धरते लिटे दिल साद सी, फरशां ते हाहाकार सी अरसां ते जय जय नाद सी, आखण इंज करतार नू हर वक्त जिस दी याद सी। ऐसे हाल विच भी की आखदे ने प्रभु करसां सुराही सूल भी, खंजर प्याले पियांगा मेरे पंथ नू सुख मिले मैं दुखां दे जीड़े जियांगा। जितने सुख हन वो मेरे पंथ दी झोली पा दे, इस दे बदले जितने संसार दे दुख हन वो मेरी झोली पा दे। सुख मंगदे ने देश दी, सुख मंगदे ने पंथ दी, कितना वड्डा जिगरा है, कितनियां कुर्बानियां सचमुच गुरु कलगीधर पातशाह जी दे कीते उपकारां दा बदला जो ए देश दे वासी रोम रोम भी शुकराना कर करके उसदे उपकारां नूं गिणीए तां वी गिणे नहीं जा सकते। एहसान दा बदला ते कित्थे दित्ता जा सकदा है। आख्या है कवि ने होऊंगा अकेला और फिरूंगा मैं जंगलों में, होऊंगा अकेला और फिरूंगा मैं जंगलों में।
की बिछाऊंगा, छाड़ के पलंग से जा कांटों की बिछाऊंगा। माता का न प्यार होगा, बेटों का न हार होगा। माता का न प्यार होगा, बेटों का न हार होगा। सुनना संसार होगा, साईं गुण गाऊंगा। बेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। दाम तो न दे सकूं, बेटा मंजूर करो, दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुख के समेत सर्वंश सब भेंट किया, सारे सुख आराम इस दे समेत सारे सरबंस दे शीश भेटा करदा हां। अमृत दी दात जरूर बख्शिश करो। भाई दया सिंह जी नूं संबोधन करके कह रहे ने गुरु कलगीधर पातशाह। एक होर कमाल दी गल कह दित्ती, सुखों के समेत सरबंस सब भेंट किया, अब तो पिला दो पाहुल सेवक कहलाऊंगा। ए गुरु खालसा जी, इस दे बावजूद मैं अपने आप नू गुरु खालसे दा छोटा जा सेवादार अखवावांगा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने ताही ते आखे है ना, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सुखों के समेत सर्वंश सब भेंट किया, सुख के समेत सर्वंश सब भेंट किया, अब तो पिला दो बहुल सेवक कहलाऊंगा। पाहुल सेवक कहलाऊंगा, दाम तो न दे सकूं, भेटा मंजूर करो। सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। दाम तो न दे सकूं, भेटा मंजूर करो। सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा।
कलगी थर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। बिच सरहंद जाल मा फड़के बिच सरहंद जाल मा फड़के नीहा बिच खलारे। कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। सरहंद दे विच जबर जुलम सिदक सबर दी लड़ाई, जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नूं वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। हूरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, एथों तक आखिया कि तुहानूं पीर बना दिता जाएगा। कचहरी लगी हुई है, इस कचहरी दे विच वेखो कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर। बाणी विच महाराज कहते हैं, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ये। बड़ी कोशिश की थी इन बच्चों नूं ईन मनावण दे वास्ते। इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान कीता है, कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। विच सरहंद जाल मा फड़के विच सरहंद जाल मा फड़के नीहा बिच खलारे। कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। इन मनावण लई जालिमा बहुता जोर लगाया। मनावण लई जालिमा बहुता जोर लगाया। तन दौलत पूरा दया डोलिया दा लालच दिखलाया। पर धन धन को निके बच्चे पर धन धन ओ निके बच्चे सिदको मूल नहारे। कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। कलगी धर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। जद ना मन्नी इन बालिका सु
किताब पढ़ी आयत फिर काजी फतवा लाया। खोल किताब पढ़ी आयत फिर काजी फतवा लाया। चिण द्योनी हां विच इनानू इनानू वेखण लोकी सारे कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। पाके हुकम जलादाने फिर कीती शुरू चिणाई। पाके हुकम जलादाने फिर कीती शुरू चिणाई। जबर जुलम ते सिदक सबर दी हुंदी पई लड़ाई। अंबर तारे कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। बिच सरहंद जाल मां फड़के सरहंद जाल मां फड़के नीहा बीच खलारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। मखणा दे नाल पाली जोड़ी होनी देवस होई। मखणा दे नाल पाली जोड़ी होनी देवस होई। नौ ते सत साल दियां जिंदा नीहां विच समोई। ते सत साल दिया जिल्ला नीहां विच समोई। निके निके सोहने सोहने निके निके सोहने सोहने कोमल प्यारे प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। विच सरहंद जाल मां फड़के विच सरहंद जाल मां फड़के नीहां विच खलारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। कलगीधर दशमेश पिता दे दोहर जंद प्यारे। जिन्ना बच्चियां ने कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया हमेशा मखमल दे गद्यां विच सौन वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए
उम्रां भी बड़िया छोटियां छोटियां, पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, डराबे दिते, एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साड़ी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तां तुसी की करोगे। आ वेखो जरा अमृत की शक्ति, उम्र का तकाजा नहीं, अमृत की शक्ति, गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा। सूबे नू क्या, पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे, होर सिंघां नू तैयार करांगे अमृत छका करके, फौज तैयार करांगे, ते ओ फौज जदों तैयार बर तैयार होवेगी फिर जुलम दे टाकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे। भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनिया पैण, अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे। ऐथे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि एक गल सुनी तां मलेरकोटले दा नवाब अश अश कर उठिया, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह। लेकिन कोल ही खड़िया सी सुचानंद दीवान, कहन लगा ए नवाब साहब, सप दे बच्चे हमेशा सप ही हुंदे हन, इन्हां दा मूँह बाहर कढ़न तो पहला पहला ही सिर फेर दिता जाना चाहिदा है, इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा है। ते फतवा भी की लाया, नीहां दे विच चिण दिओ, जिंदा ही नीहां दे विच चिणवा दिता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, तन उन्हां दी सिखी, तन बख्शिश अमृत दी दात, छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने जिंदा ही नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया, पर सिदक निहारिया, सिदक तो नहीं डोले। कवि कहिंदा है, हुण भी पई सुनेहा देंदी ओ दीवार पुरानी, हुण भी पई सुनेहा देंदी ओ दीवार पुरानी, जिस दे विच छुपी बैठी ऐ पंथ तेरी जिंदगानी, निक्कियां जिंदा वड्डे साके, निक्कियां जिंदा वड्डे साके, तन धन गुरु दुलारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, विच सरहंद जालिमां फड़के, विच सरहंद जालिमां फड़के, नीहां विच खलारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। हाँ, 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 हाँ।
सौ कौन रहा रोड़ाते, सौ कौन रहा रोड़ाते, कोई वे परवा जापे, दुनिया दावाली ए, कोई शैन सहा जापे, सौ कौन रहा रोड़ाते। गलगीधर पातशाह जदों चमकौर दी गड़ी छड़ के आए, रात दे हनेरे विच तुरदे तुरदे पातशाह माछीवाड़े दे जंगल विच पहुंचे। जामा लीरो लीर है, पैरां विच जोड़ा नहीं, वो भी किधरे निकल गया, छाले पए हुए ने, सारा दिन मैदाने जंग विच युद्ध करन वास्ते सिंघां नूं तैयार कर करके भेजदे रहे। इस तो पहली रात वह भी घमासान युद्ध दे विच ही बतीत होई। आनंदपुर दे विच भी साहब जी नूं कोई किसे प्रकार का आराम नहीं मिलिया। किन्ने ही दिन तो बेआरामी और उनिंद्री दी अवस्था माछीवाड़े दी जंगल विच पहुंचे ने। आराम करन दे वास्ते आप टीम दा सराहना लैके भुंजे ही लेट गए ने। मखमला ते सौन वाला अज धरती दा विछौना करके टीम दा सराहना लिया होया है। विश्राम अवस्था विच लेटे हुए ने गुरु कलगीधर पातशाह। राही एक तुरिया आउंदा वेखिया, दूरों इसने नजर भर के कौन है इस बयाबान जंगल दे विच टीम दा सराहना लिया होया, बेपरवाही दी नींदर सुत्ता होया, कौन है? नाल ही अंतर ख्याल उत्पन्न होया, इस तरह जापदा है कोई नूरानी जोत इस जंगल दे विच आके विराजमान हुई है। इंज जापदा है कोई बेपरवाह, कोई बादशाह दा बादशाह इस जंगल दे विच भाग लाने वास्ते आया है। इना चंद लाइना दे विच कवि ने अपने ख्यालातां दा प्रगटावा इंज कीता है, सरवन करो। सौ कौन रहा रोड़ाते, कोई वे परवा जापे, दुनिया दा वाली ए, कोई शैन सहा जापे, सौ कौन रहा रोड़ाते, कोई वे परवा जापे, दुनिया दा वाली ए, कोई शैन सहा जापे, सौ कौन रहा रोड़ाते। पैरां विच छाले ने, कोई वे परवा जापे,
दुनिया दा वालिए कोई सैन शाह जापे सौ कौन रहा रोड़ाते कोई वे परवा जापे दुनिया दा वालिए कोई सैन शाह जापे सौ कौन रहा रोड़ाते रोड़ाते
कोई वे परवा जापे दुनिया दा वाली ए कोई सैन सहा जापे सौ कौन रे हरुड़ाते कोई वे परवा जापे दुनिया दा वाली ए कोई सैन सहा जापे सौ कौन रे हरुड़ाते जापे दुनिया दा वाली ए कोई सैन सहा जापे सौ कौन रे हरुड़ाते अखीरलिया पंक्तियां विच कवि माछीवाड़े दी उस मंद मंद चलती हुई पवन नू हवा नू संबोधन करके कहता है ए माछीवाड़े दी हवाए अज तेरे भाग जाग पे ने ए माछीवाड़े दी धरती तेरी किस्मत जाग पई है दो जहान दा वाली तेरी गोद दे विच विश्राम करन वास्ते कुछ चिर लई लेटिया है सेवा कर ले रज रज के सेवा कर ले आहिस्ता आहिस्ता चल मता पत्तियां दे खड़ाक नाल किधरे इसकी अख ना खुल जाए पता नहीं किन्ने चिर दा उनिंद्रा है याद रख तू सेवा पई कर दी है इसकी दुनिया तेरे इस पवित्र स्थान ते आके मत्थे चुकाया करेगी नमस्कार करेगी क्योंकि इस धरती नू अज मेरे गुरुदेव कलगीधर पातशाह जी ने अपनी चरण छो बख्शिश करके इस दे भाग जगा दिते हैं सेवा दा अवसर मिलिया है कर ले सेवा अखीरलियां पंक्तियां विच हवा नू संबोधन करके कहिंदा कवि दुनिया दा वाली ए कोई सैन